तो भाई आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यू चीट कोड। जैसे गाइस आप लोगों को पता चलने वाला है आज निशान GTR कार का चीट कोड, साथ ही में गाइस पुलिस बाइक का भी पता चलने वाला है और स्पॉन करा ली गाइस जेट्स की। जी हाँ गाइस, मुझे जेट्स का भी चीट कोड पता चल चुका है क्योंकि आप सभी को पता है अपने न्यू अपडेट में जो है गाइस बोट आई है, बोट का चीट कोड अपना 3001 और देखो बोट यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। तो भाई आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को जेट्स की कभी बताने वाला हूँ जिसकी जो स्पीड है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरी एंड तक देखना और अगर गाइस वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और गाइस मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके चीट कोड। तो गाइज जो फर्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइज बोट का। यहाँ पर देखो हमने 3001 डायल किया और गाइज यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है बोट। और गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को बिग एरोप्लेन का भी चीट कोड पता चलने वाला है जो कि आप लोगों को एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है बड़ा वाला, उसका भी कोड आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगा। और गाइज साथ में आप लोगों को जेट्स का भी चीट कोड पता चलने वाला है। बाकी गाइज नेक्स्ट कोड होने वाला अपना 9191, इससे क्या होगा गाइज इससे आ जाएगी अपनी न्यू थार जो कि अपने लेटेस्ट अपडेट में आई है। देखो गाइज ये जो न्यू थार है अपनी कितनी ज़्यादा जबरदस्त लग रही है और भाई काफ़ी लोग बोल रहे हैं मॉडिफाइड थार चली गई है। नहीं गाइस मॉडिफाइड थार भी इसमें ऐड है जिसका चीट कोड अपना 9090। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस 51। गाइस इससे क्या होगा इससे अपना स्पॉन हो जाएगा गाइस अपना टीरेक्स। ये देखो यहां पर टीरेक्स भी आ चुका है। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस YAMAH R15 का जो है अपना 0015। यहां पर देखो YAMAH R15 का अपना न्यू मॉडल स्पॉन हो चुका है। और गाइस जो नेक्स्ट कोड होने वाला है अपना वो होने वाला है गाइस 5000। गाइस इससे स्पॉन हो जाएगी अपनी पल्सर RS 200 बाइक जो कि अपना न्यू मॉडल ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस अपना अगेन डायनासोर का, लेकिन ये होगा अपना दूसरा डायनासोर जिसका चीट कोड अपना 52। गाइस इससे आ चुका है अपना स्पाइनो। ये देखो यहाँ पर स्पाइनो और टीरेक्स दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब भाई ये तबाही मचाने जा रहे हैं अब अपने पूरे सिटी में, मतलब दोनों डायनासोर जो है गाइस खतरनाक है। तो गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है इस बार वो अगेन डायनासोर का होने वाला है। जी हाँ गाइस डायनासोर की बहुत सारी वैरायटी है, अपना डायनासोर होगा गाइस कुछ ही है, इसका चीट कोड अपना 53। एंड भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर है, देखो कितना तगड़ा डायनासोर, लेकिन ये जो डायनासोर है अपना अटैक नहीं करता अपने करैक्टर के ऊपर। ये देखो भाई कितना बड़े लग रहा है डायनासोर। और ये अपना ब्राशियो, शायद ब्राशियो नाम है इसका, बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है डायनासोर के बारे में। चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि होने वाला है गाइस अपना JCB का चीट कोड। गाइस JCB का चीट कोड है 6677। और देखो यहां पर JCB भी आ चुकी है। और भाई अभी देखो यहां पर मैं आप लोगों को ऐसा चीट कोड बताता हूं जिसे देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आएगी। जी हां गाइस यहां पर देखो मैंने डायल किया 600 और 600 से भाई स्पॉन हो चुका अपना डॉग। और भाई ये देखो डॉग तो इसमें पहले से ऐड था, लेकिन भाई अब जो आप लोग डॉग राइडिंग भी कर सकते हो। देखो गाइस जो अपना करेक्टर है वो यहाँ पर डॉग राइडिंग कर रहा है और वो जो डॉग है ना ये किसी को भी काट सकता है। जी हाँ गाइस ये डॉग जो है किसी को भी काट सकता है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई देखो अभी मैं आ चुका हूँ कहाँ पर गाइस अपने पुलिस स्टेशन के पास। और पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल आप सभी को पता है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे पुलिस NPC देखने को मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। और भाई यहाँ पर देखो रिसेप्शन वाले काउंटर पर 3 पुलिस NPC है और यहाँ पर नॉर्मल NPC भी है और जेल भी है और सेकेंड फ्लोर भी है, मतलब गाइस यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि होने वाला है गाइस अपना हमर कार का। जी गाइस हमर कार का चीट कोड है 8880। और देखो गाइस यहाँ पर हमर कार भी आ चुकी है। एंड गाइस जो नेक्स्ट कोड होने वाला है अपना वो होने वाला है 700। गाइस इससे आएगी अपनी लैम्बोर्गिनी। और गाइस जो नेक्स्ट कोड होगा वो होगा 3333। गाइस इससे भी लैम्बोर्गिनी आएगी। अगर आप लोग 500 डायल करते हो तो गाइस इससे ऑडी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग 600 डायल करते हो तो इससे ट्रॉन आ जाएगी, नहीं सॉरी ट्रॉन बाइक नहीं है ये अपना डॉग। और गाइस अगर आप लोग ट्रॉन बाइक को लेना चाहते हो तो 6000 डायल कर सकते हो, ट्रॉन बाइक भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग 4000 डायल करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, गाइस इससे आ जाएगी अपनी पोर्शे। और गाइस अगर आप लोग 2000 डायल कर देते हो तो गाइस इससे पता है क्या आएगा, गाइस इससे आएगी अपने रोल्स रॉयस कार। और गाइस अगर आप लोग 1000 डायल कर देते हो तो गाइस 1000 से स्पॉन होगी मेरी फेवरेट फॉर्च्यूनर। ये देखो गाइस यहां पर जो है फॉर्च्यूनर भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अगर आप लोग 444 डायल कर देते हो गाइस इससे आ जाएगी अपनी स्कॉर्पियो। और गाइस अगर आप लोग 333 डायल कर देते हो तो इससे अगेन स्कॉर्पियो आ जाएगी, लेकिन ये होगा अपने स्कॉर्पियो का दूसरा मॉडल जो कि क्लासिक। एंड गाइस जो नेक्स्ट कोड होने वाला है अपना वो होने वाला है 200। गाइस इससे अपना हॉर्स आ जाएगा। और गाइस नेक्स्ट कोड होने वाला है अपना 7000। गाइस इससे आ जाएगी अपनी हायाबुसा बाइक। और गाइस अगर आप लोग 1001 डायल कर देते हो तो गाइस इससे आ जाएगी अपने लेजेंडर जो कि फॉर्च्यूनर का अपना दूसरा मॉडल है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर देते हो गाइस 900 तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी कॉइनेक्सिक कार जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो गाइस नेक्स्ट अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 8000। ये देखो गाइस इससे स्पॉन होगा अपना हेलीकॉप्टर, ये भाई हेलीकॉप्टर आ चुका है यहाँ पर। और गाइस जो नेक्स्ट कोड होगा अपना वो होगा 555। ये देखो यहाँ पर अपना प्लेन भी आ चुका है। गाइस अगर आप लोग 8123 डायल करते हो तो इससे बताया क्या होगा, गाइस इससे आ जाएगी अपनी मस्टैंग GT। और अगर आप लोग 8811 डायल करोगे तो इससे आएगी गाइस अपनी लग्जरी कार जो कि अपनी गाइस फरारी। ये देखो लग्जरी कार अपनी आ चुकी है।
और 2244 डायल कर दे तो गाइस इससे आ जाती है अपनी सुप्रा जो कि आप सबकी फेवरेट है। तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ जो कि होने वाला गाइस अपना साइकिल का। जी हां गाइस इसमें साइकिल भी ऐड है जो अपना 1111 और गाइस इसमें अपनी ओडी भी आती है, ओडी का कोड है 500। आई नो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ जो कि होने वाला है 9000 डायल करते तो गाइस इससे आ जाएगी स्प्लेंडर। और गाइस स्प्लेंडर का इसमें एक और मॉडल ऐड है उसका भी कोड बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ जो कि अपना 9999 गाइस इससे आ जाएगी बुलेट। और गाइस अगर हम 1211 डायल कर देते तो इससे आ जाएगी गाइस अपनी पल्सर। और अगर हम 1190 डायल कर देते हैं तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी KTM। और गाइस अगर आप लोग स्कूटी को लेना चाहते हो तो आप लोगों को 0000 डायल कर देना है, स्कूटी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग रेंज रोवर को लेना चाहते हो तो आप लोग 6666 डायल कर सकते हो, अपनी रेंज रोवर कार भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग घोस्ट राइडर बाइक को लेना चाहते हो तो घोस्ट राइडर बाइक के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को 5555 डायल कर देना है, यहाँ पर घोस्ट राइडर बाइक भी आ जाएगी। और हाँ आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी पहले से, वो इसलिए क्योंकि भाई अभी मेरे माइक की जो है बैटरी डाउन है तो इस वजह से मैं दूसरे माइक से जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ जो होने वाला है गाइस अपना कावासाकी निंजा S2R का, जो होने वाला है अपना 3000। यहाँ पर देखो कावासाकी निंजा S2R बाइक भी आ चुकी है। और गाइस अपना नेक्स्ट कोड होने वाला है अपना ड्यूक 200 बाइक का जो है अपना 7777। अभी मैं आप लोग को ये भी ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये मैंने डायल किया 7777 और गाइस यहाँ पर देखो ड्यूक आ चुकी है अपनी। और गाइस अगर आप लोग ATV बाइक को लेने चाहते हो तो आप लोग गाइस 2222 का डायल कर देना, इसमें गाइस ATV बाइक भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग मॉडिफाइड थार को लेने चाहते हो तो 9090 डायल कर सकते हो, देखो मॉडिफाइड थार भी ऐड है इस गेम में। और गाइस अगर आप लोग आर्मी टैंक को लेने चाहते हो तो आप लोग 4040 डायल कर देना है, यहाँ पर देखो आर्मी टैंक भी आ चुका है। और गाइस अगर आप लोग ज़ॉम्बीज को लेने चाहते हो तो 2030 डायल कर सकते हो, यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे। और अगर आप लोग ज़ॉम्बीज को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो 2040 डायल कर सकते हो, इससे गाइस अपने ज़ॉम्बीज भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। देखो मैंने किया यहाँ पर और ज़ॉम्बीज का जो चीट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। और अभी देखो सामने ज़ॉम्बीज आ चुके हैं तो यहाँ पर मैं घर के पीछे आ जाता हूँ वरना ये जो है अटैक कर देंगे। तो गाइस नेक्स्ट कोड होने वाला अपने यामा VMAX का, ये गाइस 999, यहाँ पर देखो यामा VMAX आ चुकी है। और गाइस अगर आप लोग यामा FZ10 को लेना चाहते हो तो 888 डायल कर सकते हो, यामा FZ10 भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग डुगाटी DI-EVEL को लेना चाहते हो तो 777 डायल कर सकते हो, डुगाटी DI-EVEL भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग बनेली TNT बाइक को लेना चाहते हो तो आप लोग 666 भी डायल कर सकते हो, यहाँ पर देखो अपनी बनेली TNT बाइक भी आ चुकी है। और गाइस अगर आप लोग इसमें ZX10R बाइक को लेना चाहते हो तो 400 डायल कर सकते हो, यहाँ पर देखो अपनी ZX10R बाइक भी आ चुकी है। और गाइस अगर आप लोग मोर NPC का चीट एक्टिवेटेड करना चाहते हो, मतलब रोड पर जो NPC होते हैं उनको दोगुना करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 चीट एक्टिवेटेड कर सकते हो। अगर और अगर आप लोग मोर व्हीकल का चीट एक्टिवेटेड करना चाहते हो तो 5 4 3 2 1 भी डायल कर सकते हो। गैस टैंक को लेना चाहते हो तो आप लोगों को 0 डायल कर देना है, और देखो यहाँ पर जो है बहुत सारे गैस टैंक आ जाएंगे। और गाइस अगर आप लोग दूसरे टैंक को लेना चाहते हो तो आप लोगों को 00 डायल कर देना है, इससे अपना एक और टैंक स्पॉन हो जाएगा जो कि अपना फ्यूल टैंक। ये देखो मस्त धमाका करता है, इसके ऊपर मैं गन चला देता हूँ, मैंने गन चलाई एंड भाई देखने के मस्त धमाका करेगा। तो भाई देखो यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो चुका है। तो गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस अपना फायर ट्रक का। जी हां गाइस इसमें फायर ट्रक भी आता है जिसका चीट कोड अपना 606, इससे गाइस अपना फायर ब्रिगेड स्पॉन हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग ट्रक को लेना चाहते हो जो कि नॉर्मल ट्रक होते हैं उसके लिए आप लोग क्या करना है, उसके लिए गाइस आप लोग चीट कोड डायल करना है गाइस अपना 1212। यहां पर देखो अपना चीट ये अपना ट्रक भी स्पॉन हो चुका है जो कि नॉर्मल ट्रक है, लेकिन हाँ इसी पीछे ट्रॉली नहीं है। गाइस अगर आप लोग ट्रॉली को भी स्पॉन कराना चाहते हो तो आप लोग 0 डायल कर देना है और 1212 डायल कर देना है, यहां पर स्पॉन हो जाएगा गाइस अपना ट्रॉली ट्रक। एंड भाई साहब देखो कितना तगड़ा ट्रक है ये, देखो गाइस कहां तक जा रहा है, इसे जो ट्रॉली है बहुत ज्यादा बड़ी है। तो गाइस इसमें मॉन्स्टर ट्रक भी आते हैं, अगर आप लोग उनको स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग क्या कर डायल करना है, गाइस मॉन्स्टर ट्रक के लिए आप लोग स्टार्टिंग में 0 डायल कर देना है, और जिस चीज का मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन कराना चाहते हो तो वो डायल कर देना है। यहां पर देखो मैं थार का कराना चाहता हूं तो गाइस यहां पर जो है थार का मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन हो चुका है। और अगर लैम्बोर्गिनी का कराना चाहते हो तो 0333333 डायल कर देना, यहां पर लैम्बोर्गिनी वाला मॉन्स्टर ट्रक भी स्पॉन हो जाएगा जो कि अभी भी जंप कर रहा है। और गाइस अगर आप लोग इसमें दूसरा मॉन्स्टर ट्रक लेना चाहते हो, मतलब गाइस आप लोग स्टार्टिंग में 0 डायल करना है और जिस चीज का मॉन्स्टर ट्रक लेना चाहते हो उसका कोड डायल कर देना है, वो स्पॉन हो जाएगा। तो गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो सुपर स्प्लेंडर का होने वाला है जो कि अपने 6021, यहाँ पर देखो गाइज अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक भी स्पॉन हो चुकी है। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग बिग एरोप्लेन को कैसे फ्लाई कर सकते हो। तो गाइज उसके लिए मुझे करना क्या है गाइज, मुझे जाना होगा कहाँ पर, अपने एयरपोर्ट पर। बाकी गाइज अभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं तो यहाँ पर जो मैं इसको मार देता हूँ वरना ज़ॉम्बीज अपना कैरेक्टर की डेथ कर देंगे। तो यहाँ पर गाइज मैं चीट कोड डायल कर देता हूँ अपना कोई भी बाइक का नहीं, यहाँ पर मैं कार ले लेता हूँ जो कि अपनी लैम्बोर्गिनी से चलते गाइज कहाँ पर, अपने
अपने एयरपोर्ट पर। फिर मैं आप लोगों को फ्लाई करके दिखा देता हूँ गाइस बड़े वाले एरोप्लेन को, जो कि वहीं पर ही हमें देखने को मिलता है एयरपोर्ट पर। देखो एयरपोर्ट पर गाइस हमें टोटल दो देखने को मिलते हैं अपने एरोप्लेन, एक अपना छोटा वाला जो कि येलो कलर में आता है, उसको तो हम स्पॉन भी करा सकते हैं 555 चीट कोड से। लेकिन गाइस ये जो बड़ा वाला एरोप्लेन है ना, हम इसको ट्राई करेंगे, जो कि ये आप लोगों को दो देखने को मिलते हैं अपने एयरपोर्ट पर। देखो भाई अपडेट आ चुका है और भाई मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है कि इसके कंट्रोल्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ अपडेट आने के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पता आ गए हो इसके कंट्रोल्स, एंड भाई मैं इसके पास ही में आ चुका हूँ। और भाई देखो अभी तक भी गाइस इसके जो कंट्रोल है वो नहीं आए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कब आएंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो भाई अभी क्या करने वाला हूँ मैं गाइस, अभी चलता है कहाँ पर गाइस, अपने बीच पर, क्योंकि आप सभी को पता है इसके न्यू अपडेट में जो गाइस बोट आई है, और भाई अब जो है आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो किसी गाइस जेट्स की, तो मैं आप लोगों को जेट्स की को चलाकर दिखा देता हूँ जेट्स का चीट कोड क्या है। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बीच पर, और यहाँ पर जो है कुछ ऐसा सीन हो चुका है, मतलब पूरा यहाँ पर पानी जो है चेंज कर दिया इस गेम के डेवलपर ने, क्योंकि पहले आप लोगों को ब्लू कलर में देखने को मिलता था, लेकिन गाइस अब जो आप लोग को रियलिस्टिक लग रहा है। देखो यहाँ पर पानी की अभी मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, देखो जो लहरें हैं वो बिल्कुल देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल में होता है बीच, तो अब सही है यहाँ पर। और आप सबको पता है बोट इसमें आई है जिसका चीट कोड अपना 3001। देखो यहाँ पर जो हम इसको चला सकते हैं अपनी बोट को मस्त तरीके से। देखो कैमरा एंगल चेंज करता तो कुछ ऐसा व्यू आता है, और कैमरा एंगल चेंज करने के बाद कुछ ऐसा आता है, मतलब भाई मस्त है अपनी बोट। देखो स्पीड भी इसकी बढ़िया है। तो अब गाइज अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई हमें उसका चीट कोड बताइए किसका, अपनी जेट्स की का। तो चलो भाई मैं आप लोगों को जो है जेट्स की का चीट कोड बता देता हूँ क्या है। तो गाइज अभी का सीन ये है, आपने ये वाला जो अपडेट आया ना गाइज, इसमें सिर्फ आप लोगों को जो है बोट देखने को मिली है, इसमें जो है जेट्स की आप लोगों को नहीं देखने को मिली है। जी हाँ गाइज इस वाले अपडेट में जेट्स की नहीं आई है, सिर्फ बोट आई है। तो जेट्स की कब आएगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई इस वाले अपडेट में तो अपनी बोट आ चुकी है, वो क्यों आई है बोट, क्योंकि आप लोगों ने जो है बोट के कॉमेंट किए थे। जी हाँ गाइज आप लोगों ने जो है बोट के बहुत ज़्यादा कॉमेंट किए थे भाई हमारे लिए बोट को ऐड करवाइए, तो बोट जो है गाइज आप लोगों के लिए ऐड हो चुकी है। तो अब बात करते हैं गाइज क्या इसमें जेट्स की भी ऐड होगी क्या। देखो अगर आप लोग इसमें जेट्स की भी कमेंट करके बताओगे मुझे, तो मैं गाइस आप लोगों के लिए जेट्स की भी ऐड करवा दूंगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को। अगर आप लोग इसमें जेट्स की कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए गाइस जेट्स की भी ऐड करवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बोला था भाई हमारे लिए बोट ऐड करवाइए, तो भाई मैंने आप लोगों के लिए जो है बोट ऐड करवा दी है। अब अगर आप लोग मुझसे जेट्स के बारे में बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए गाइस जेट्स की भी ऐड करवा दूंगा। तो बता दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग इसमें जेट्स को ऐड करना चाहते हो क्या, मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। बस सिर्फ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, बता दो जल्दी फटाफट, मैं आप लोगों के लिए ऐड करवा दूंगा जेट्स की भी। तो भाई आई होप आप लोग कुछ बात को समझ गए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोगों के बात समझ में आ गई हो। तो भाई अब बात करते हैं निशान GTR कार के बारे में, क्या निशान GTR कार भी इसके न्यू अपडेट में आई है क्या। भाई निशान GTR कार भी गाइस आप लोग इस वाले अपडेट में नहीं देखने को मिली है। बात करते हैं पुलिस बाइक के बारे में। देखो गाइस इसमें टोटल दो बाइक आई है, एक है अपनी यामा R15 जो कि पहले भी ऐड थी, लेकिन हाँ न्यू मॉडल ऐड किया है, और इसमें पल्सर RS 200 का भी न्यू मॉडल ऐड ही किया है। तो अब बात करते हैं गाइस पुलिस बाइक के बारे में। गाइस इस वाले अपडेट में जो है आप लोगों को सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस NPC देखने को मिले हैं, पुलिस बाइक नहीं देखने को मिली है। तो न्यू अपडेट में गाइस आप लोग पुलिस बाइक भी देखने को मिल सकती है, अगर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता दोगे तो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही डाउट्स क्लियर करने वाला था। आप लोग जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे भाई जेट्स का चीट कोड बताइए, बिग एरोप्लेन का चीट कोड बताइए, तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया है अभी जो इसमें जेट्स की भी नहीं आई है, और बिग एरोप्लेन के कंट्रोल्स भी नहीं ऐड हुए हैं, और निशान GTR कार भी नहीं आई है। तो गाइस आई होप पूरी बात को समझ गए, अगर समझ गए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, कुछ नया चीट कोड बताते हुए, कुछ नया अपडेट बताते हुए। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।